नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद चुनाव के बाद पहली बार निरसा पहुंची अनुपमा सिंह, जनता के सामने रखी अपनी बात। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के पश्चात इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह पहली बार निरसा पहुंची। सबसे पहले अनुपमा सिंह निरसा के बड्ढे समाज सेवी मनोज सिंह के रिश्तेदारों के श्राद्ध कर्म में शामिल हुई। उसके पश्चात निरसा कांटा स्थित मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी मनोज सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह शामिल हुई। आयोजित बैठक के विषय में जानकारी देते हुए अनुपमा सिंह ने बताया कि हमने पहले ही कहा था कि भले ही चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम हमेशा जनता के बीच बने रहेंगे और हमेशा जनता के सुख दुख में खड्डी डीए रहेंगे। भले ही बदकिस्मती से मैं चुनाव में विजयी नहीं हो पाई, फिर भी मैं अपने वादे के अनुसार हमेशा जनता के लिए खड़ी रहूंगी और जहां भी जनता हमें बुलाएगी हम जनता के लिए खड़े रहेंगे। आइए जानते हैं अनुपमा सिंह ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। आप लोग शायद अगर हम लोगों से जुड़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सुबह से रात तक, और मेरे लोग भी, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मेरे लोग भी, सभी लोग लगे रहते थे। लेकिन शायद कुछ तो कमी रह गई जो हमारी बातें हर एक इंसान तक शायद नहीं पहुँच पाई। आज उसका दुख हम सभी को है, आगे वो गलती नहीं है। आप लोग की समीक्षा बैठक हुई, लोगों को आज धन्यवाद कहने आई हूँ। मेरी निरसा की जनता ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मैंने काफ़ी सोचा था लेकिन खैर इतना भी मुझे मिला, मैं इसके लिए उन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि अगर 70-75 हज़ार लोग मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं उस विश्वास को तोड़ नहीं सकती। इसलिए मैं उनके पास आई हूँ ताकि उनकी हर छोटी बड़ी समस्या को जहाँ तक मैं जा सकती हूँ वहाँ तक जाकर इनका समस्या का समाधान ज़रूर करना चाहूँगी और इन्हें कोशिश करूँगी कि हर समस्या से दूर रखूँ जितना मुझसे हो सके। ये तो हमारी समीक्षा बैठक में ही पता चलेगा कि जातिगत चुनाव था। देखिए, मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, एक इंसान एक ही जाति का हो सकता है, और अगर कोई इंसान जाति पर चुनाव लड़ता है तो उसे उस दिन से ही चुनाव से त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान सिर्फ अगर एक जाति के लिए खड़ा है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो वो फिर जनता के लिए नहीं खड़ा होता है, वो सिर्फ एक जाति के लिए खड़ा हो सकता है। और हम लोगों ने ये सीखा है, ये जाना है, ये समझा है कि जाति पर हम लोग चुनाव न लड़ सकते हैं, न जाति के लिए, एक किसी जाति के लिए कर सकते हैं। अगर आपको जनता चुनती है तो आपको हर एक जनता के लिए करना होता है, और अगर मैं चुनाव में उतरी हूँ तो मैं किसी एक जाति के लिए नहीं उतरी हूँ, मैं पूरे धनबाद लोकसभा के लिए उतरी थी। और मैं चाहती थी कि चाहे वो ग्रामीण समस्या हो चाहे वो अर्बन समस्या हो, हर समस्या का जितना हो सकता था हम लोग समाधान करते। आपके घर के उसकी समीक्षा बैठक होगी कि क्या चूक रह गई है, और कोशिश करूंगी आगे ये गलती नहीं। और मैंने कहा ना, समय कम होने की वजह से मैं बहुत जगह शायद नहीं भी जा पाई थी, तो इसकी वजह से शायद वो हुआ होगा, लेकिन आगे तो ऐसा क्यों होता है पार्टी? तैयारी, देखिए तैयारी तो चलती रहती है, और हार जीत, देखिए किसी एक की हार होगी, किसी एक की ही जीत होगी, तो वो तो चलता रहता है। और इसमें अगर किसी की हार होगी तो उसमें आप टिक्का टिप्पणी करेंगे ही, लोग अपनी तरफ से, हर इंसान कोशिश करता है। आप बोल रही हैं ना, समय लगता है चुनने में, चुनाव करने में उनको भी समय लगता है, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें वो देख कर फिर आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, आपने शायद देखा होगा कांग्रेस पार्टी को पिछली बार कितना वोट मिला, उससे पहले कितना वोट मिला और आज कितना वोट मिला है, वो आप लोगों के सामने है। आपने देखा होगा कि वोट प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है, घट तो नहीं रहा है। और इस बार अगर आप कह रहे हैं या हम लोग सब कह रहे हैं कम समय में भी बहुत अच्छा, आज करीबन 4.5 लाख लोग अगर हम पर विश्वास कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। ठीक है।